अस्सलाम वालेकुम। वो कहीं दूर नहीं गया तुम्हें इन हालात में छोड़कर, वो तुम्हारे साथ ही है। बस उस वक्त वो तुम्हें आजमा रहा है। आजमाइश तो हम सब की होती है, हम इसी के लिए तो दुनिया में भेजे गए हैं। जो अल्लाह के जितने करीब होता है उसकी आजमाइश उतनी ही सख्त होती है, लेकिन वो तुम पर तुम्हारी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालेगा। तुम उम्मीद ना छोड़ो, वो तुम्हें नहीं भूला। वो अजर देता है बेकरार दिल को। उस रब की दी हुई तसल्ली पर यकीन रखो, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हो गया है। दुआएं जारी रखो, वो सब अता कर देगा। जब वो रब सब कर सकता है तो तुम क्यों परेशान हो? जो ख्वाहिशें तुम्हें बहुत तड़पाती हैं वो सब मुकम्मल भी कर सकता है। जो दुआएं तुम सजदों में मांगते हो वो कबूल भी कर सकता है। वो तुम्हारी हार को जीत में बदल सकता है। जो तुम्हारे ख्याल में अमुमकिन नहीं वो उसको भी मुमकिन कर सकता है, या उससे भी बेहतर तुम्हें नसीब कर सकता है। जो तुमसे ले लिया गया है वो वापस भी दे सकता है। वो ये बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल भी सकता है। यकीन रखो उस रब पर, तुम्हारा यकीन सच हो जाएगा। एक रोज़ तुम्हारी खुशियों का महल उसके कुन से तामीर हो जाएगा। एक दिन कायनात का हर ज़र्रा उसकी रज़ा से तुम्हारी ख्वाहिशात को हकीकत बनाने में मसरूफ़ हो जाएगा। यकीन रखो उस सबसे लगी तुम्हारी हर उम्मीद पूरी हो जाएगी। तुम्हारा हर ख्वाब जो तुम्हारी आँखों ने देखा वो खूबसूरत ताबीर के साथ मुकम्मल हो जाएगा। तुम्हारे सब्र की ये लंबी रातें रोशन सुबह के साथ ख़त्म हो जाएंगी। तुम्हारा इम्तिहान बहुत ख़ास अजर के साथ इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। यकीन रखो उस रब पर, एक रोज़ तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। जब जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और ना उम्मीद होने लगो, सब्र करना मुश्किल हो जाए, तो याद रखना जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है वो उसके लिए मुमकिन है। ना उम्मीद ना हो तो सब्र करना है, यही तो उसके कुन पर कामिल यकीन करना है। यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर उसने ये ख्वाहिश पूरी ना करनी होती वो दिल से इसका ख्याल भी निकाल देता, मगर इस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसीलिए तो है कि तुम मांगते रहो उससे, वो एक रोज़ इस नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल कर देगा। एक रोज़ तुम्हारी आँखें दुआओं की कबूलियत देखेगी। यकीन रखो उस पर। तुम भी उदास ना हो, तुम्हारी इस आजमाइश के बाद, इस सख्त सब्र के बाद अजर तुम्हें अता होगा। वो तुम्हें इस वक्त की तमाम सख्तियाँ फरामोश करवा देगा। उसके करम पर यकीन रखो।